राधे राधे, साधना किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर से एक और नई रेसिपी लेकर आए हैं, साबूदाने के पापड़। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है, मीडियम साबूदाना है मेरा। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से 2 से 3 पानी में धो लेंगे। इससे क्या है कि हमारा साबूदाना अच्छे से साफ हो जाए। तो देखिए, मैंने 2 से 3 पानी में धो लिया है अच्छे से। अब इसको हम बड़े बर्तन में निकाल देंगे, इससे हमारा साबूदाना अच्छे से पानी में डूब जाए। तो अब हम इसमें जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से हमने पानी डालना है इसमें। तो इसमें मैं पानी डाल दूंगी। एक कटोरी मैंने साबूदाना लिया था, इसमें 2 कटोरी में पानी डाल दूंगी। इससे क्या है कि इसमें पानी बहुत कम लगता है, ज़्यादा पानी नहीं लगता है। अब इसको मैं 3 घंटे के लिए गलाऊंगी। इससे क्या है कि मेरा अच्छे से गल के तैयार हो जाए। अब ढक के रख देंगे हम इसको। तो देखिए, मेरे 3 घंटे हो चुके हैं। मैं आपको एक साबूदाना मसल के दिखाती हूँ चूरा करके। तो मेरा साबूदाना गल चुका है, बहुत अच्छी तरह से चूरा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कढ़ाई पर गैस पर रख देते हैं और इसका उबालते हैं। कुछ नहीं डालना है इसमें। तो हम इसको अच्छे से उबाल लेंगे। देखिए, मेरा साबूदाना कितना गाढ़ा हो चुका है। थोड़ा सा और उबालना है इसको। साबूदाने के पापड़ बहुत ही पसंद आते हैं सबको और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। कितना बढ़िया से मेरा साबूदाना फूल चुका है। देखिए, बिल्कुल भी ये लगा नहीं है और ये छोड़ना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये तले में लग सकता है। मेरा साबूदाने के पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको धूप में डाल के बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने एक कट्टा लिया है, उसको बीच में से अलग कर दिया है मैंने और मैं उसी पे बना के डाल रही हूँ। कितने बढ़िया से बन के तैयार हो रहे हैं। मैं धूप में बना रही हूँ, आप छाया में भी बना सकते हैं, पंखे की हवा में, और धूप में भी बना सकते हैं। आप परात में भी डाल सकते हैं। आपको डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने आप ही बन जाएंगे, आप सिर्फ डालते जाएं। तो देखिए, मेरे पापड़ धूप में सूख के तैयार हो चुके हैं और 1 दिन में ही सूख चुके हैं ये। आप इनको पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। तो चलिए, मेरा तेल गर्म हो चुका है, मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। कितने बढ़िया से मेरे फ्राई हो चुके हैं ये। अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। इससे क्या होगा, हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएगी। आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, इससे वो भी इस रेसिपी का आनंद उठा सकें। तो देखिए, मेरे पापड़ कितने बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं और कितने अच्छे से लग रहे हैं। इनमें खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। आप चाहें तो ये व्रत वाले भी बन सकते हैं। आप इसमें काली मिर्ची और सेंधा नमक भी डाल सकते हैं तो व्रत के बन के तैयार हैं। और आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची भी और सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा खा सकते हैं बना के इनको। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और मेरे पापड़ बहुत सारे बनके तैयार हो चुके हैं। एक कटोरी साबूदाने के पापड़ हैं मेरे और बहुत सारे बन चुके हैं ये। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो हम आपके लिए ऐसे ही हर रोज़ नई नई वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको और किसी भी चीज़ की रेसिपी जाननी हो खाने से संबंधित, तो हमें कमेंट करें।
क्या बात है, मेरे साबूदाने के पापड़ बन करके तैयार हैं। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना करारा बन के तैयार हुआ है। बहुत करारा बना है मेरा पापड़। अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राधे।